आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज CG को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपके आसपास की छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए 24 घंटे रहे अपडेट। नरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत कृषि विभाग ने 20 वार्मिंग बेड की किया निर्माण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि नरवा घुरवा और बाड़ी गांव की समृद्धि का आधार बनेगी। उन्होंने इस संबंध में सर्व संबंधित विभागों को क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नदी नालों के पुनर्जीवन, गांव में पशुपालन और नस्ल सुधार, गोबर गैस और जैविक खाद जैसे कार्यों से गांव और किसानों को खुशहाल बनाया जा सकता है और कृषि लागत में कमी लाई जा सकती है। उसी दिशा निर्देश के अनुसार जांजगीर चांपा जिले का अकलतरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अकलतरी को सुराजी गांव योजना के नरवा घुरवा बाड़ी अंतर्गत इस गाँव को आदर्श गोठान बनाया गया है, जिसमें 350 मवेशियों के संरक्षण के लिए 3 एकड़ में गोठान बनाए जा रहे हैं। वहीं किसानों के लिए कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सर्वे के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें प्रति घर पशु संख्या के आधार पर बायोगैस के प्रकरण तैयार किया जा रहा है। एक निश्चित घन मीटर के आधार पर प्रत्येक घर पर बायोगैस बनाया जाएगा जहां संभावित हो, साथ ही पूर्ण डैम बनाए जा रहे हैं। साथ ही यहां के किसानों को चौपाल कार्यक्रम कर प्रेरित भी किया जा चुका है, जिसमें घुरवा संवर्धन करें, जिसमें 1 से 1.5 महीने में खाद तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग किसान खेत व बाड़ी में उपयोग में लाया जा सकता है और पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। वहीं उनकी परंपरागत खाद निकलता है, उनसे अच्छा रहता है। वहीं गोठान में जहां पर 20 वार्मिंग सेट की निर्माण किया जाएगा, जिसका उपयोग कृषकों के द्वारा ही किया जाएगा, साथ ही भविष्य में वार्मिंग खाद का उपयोग कर आसपास के गांवों में विक्रय भी किया जा सकता है। वहीं वार्मिंग सेट के निर्माण के लिए कृषि विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित थे। आपका शुभ नाम? नीलम आजाद, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पामगढ़। मैम, ये नरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत आप अभी क्या क्या काम कराए? ये सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत इस गांव को आदर्श गोठान ग्राम के रूप में चयनित किया गया है, जिसमें हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है और प्रति घर पशु संख्या के आधार पर बायोगैस का प्रकरण तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर एक निश्चित घन मीटर के आकार का बायोगैस प्रत्येक घर में जहां संभावित हो बनाया जाएगा। साथ ही भूनाडेप बनाया जा रहा है और 2 से 3 बार चौपाल यहां कार्यक्रम लगा करके कृषकों को प्रेरित भी किया गया है कि वो अपने अपने घर में घुरवा संवर्धन करें, जो कि 1 से 1.5 महीने में ही तैयार हो जाता है और उत्तम किस्म का खाद देता है, जिसका उपयोग वो अपने खेत में और बाड़ी में करके पोषक तत्व प्रदान कर अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन ले सकते हैं। और जो उनका परंपरागत घुरवा से निकलने वाला खाद है, उससे बहुत ही अच्छा होता है। और चूंकि वर्तमान में खरीफ सीज़न निकट है, तो बहुत सारे कृषक अपने घुरवा से खाद निकाल रहे हैं, इसीलिए हम सभी प्रयासरत हैं, परंतु उतनी मात्रा में घुरवा संवर्धन का कार्य फिलहाल नहीं हो पा रहा है और मानसून आते तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNN न्यूज़।